नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ खास सुर्खियों पर। वाशिम जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई गई है। इस दौरान नागरिकों को सुरक्षा के लिए घर पर ही रहना चाहिए, इसलिए इस अवधि के दौरान वाशिम जिले के नागरिकों को डाक विभाग के माध्यम से अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाते से घर बैठे 10,000 रुपए तक निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। डाक विभाग के जिले के अधिक से अधिक नागरिकों से इस सुविधा का लाभ उठाने और बैंक में भीड़भाड़ से बचने की अपील की है। कर्फ्यू अवधि के दौरान डाक विभाग ने जनता को बचत बैंक सुविधा, डाक वितरण, रजिस्टर बुकिंग, स्पीड पोस्ट बुकिंग की सुविधा के साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंक खाते से 10,000 रुपए तक निकालने और डाकिया के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की है। जिन नागरिकों का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता है, वे अपने टेलीफोन नंबर पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक निकटतम डाकघर से संपर्क करें और अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर और आवश्यक राशि दर्ज करें। डाक विभाग ने कहा कि इसके बाद डाकिया संबंधित व्यक्ति के घर जाएगा और बैंक खाते से राशि निकाल कर भुगतान करेगा। पोस्ट ऑफिस अनसिंह 07252226365, असीगांव 07253265511, कमरगांव 07256235015, करंजा 07256225686, गुरु मंदिर के पास करंजा 07256222310, 07253261080, मनोरा 07253263022, रिसोड 07251223665, रिठाड 7251225060, शेलू बाजार 07253234204, शिरपुर 07254234484, 07252231213। अपराय साथ ही इसमें कोई दिक्कत होने पर डाक विभाग ने अकोला डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक कार्यालय से 07242415039 पर संपर्क करने की अपील की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए विनोद डेरे, वाशिम। महाराष्ट्र सरकार ने 18 मई से 1 जून तक संचार बंदी लागू की। इस संचार बंदी में नियमों का पालन करते हुए नागरिकों को भी सुविधा मिले, इस विषय को लेकर हिंगनघाट उपविभागीय अधिकारी चंद्रमान खंडाइत ने आढ़ावा बैठक का आयोजन किया था। नगर परिषद की नई इमारत में आयोजित सभा में नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी, तहसीलदार श्रीराम मुंदड़ा और तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कीर्ति दिघे की प्रमुखता से उपस्थिति थी। इस सभा में व्यापारी संघ के सदस्यों ने अपनी समस्याएं रखी। उस पर नियमों का पालन करके ही व्यापारियों को सहूलियत दी जाएंगी। दुकान का आधा शटर खोलकर घर पहुंच सेवा की जा सकेंगी। इसके लिए व्यवसायी को दुकान लाइसेंस, आधार कार्ड, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देकर घर पहुंच सेवा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और घर पहुंच सेवा देते समय उनके पास कोरोना टेस्ट रिपोर्ट साथ में रखना आवश्यक बताया गया। अंडे, मटन, मच्छी, अनाज, चक्की और अन्य खाद्य पदार्थ की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सब्जी फल की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 7 से दोपहर 1 तक आधा शटर खोलकर घर पहुंच सेवा के लिए मंजूरी दी गई। खेतीबाड़ी के साहित्य की घर पहुंच सेवा के लिए तालुका कृषि अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा। सीमेंट, रेत और मकान बनवाने के साहित्य के लिए जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र लेने की सूचना की गई। इसमें किसी भी दुकान में ग्राहक को माल बेचते पाए जाने पर दंड किए जाने की चेतावनी भी दी गई। काल जे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होते ते उद्याला काही प्रमाणात शिथिल होणार आहे। माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी काल ऑर्डर काढलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये होम डिलिव्हरी अंतर्गत प्रोविजन केलेली आहे। तर महत्त्वाचं म्हणजे का कोणत्याही ठिकाणी लोकांची गर्दी होऊ नये, कारण का गर्दी झाल्यामुळे हा जो व्हायरस आहे तो मोठ्या प्रमाणात स्प्रेड होतो आणि त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्याला होम डिलिव्हरी सिस्टम व याच्यामध्ये जसं किराणा दुकान आहेत किंवा भाजीपाला आहे किंवा फ्रूट मार्केट, मटन मार्केट आहे, तर यांना इसेन्शियल कम्युनिटी अंतर्गत सुविधा देण्यात आली आहे, परंतु त्यांना होम डिलिव्हरी द्यायची आहे। तर त्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी काल सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची सभा घेतली आणि ऑर्डर पण काढला आणि त्या अनुषंगाने आज आपण इथले जे हिंगणघाट शहरामधले जे व्यापारी आहेत
आणि भाजी मार्केटचे होलसेल आणि रिटेलर आहेत आणि आपलं दुसरं हे मटन मार्केट वगैरे आहे, यांची आपण एक छोटीशी सभा घेतली इथं, त्यांना त्यांचे ज्या काही डाऊट्स आहेत त्या क्लिअर केल्या. एक वेबसाईट पण इथे तयार केली आहे, तिथं सर्वांना दुकानदारांना आपलं रजिस्ट्रेशन करायचं आणि होम डिलिव्हरीसाठी डिमांड घ्यायची आहे आणि त्यानुसार होम डिलिव्हरी द्यायची आहे. तर होम डिलिव्हरीसाठी दुकानदारांनी त्यांचे जे होम डिलिव्हरी बॉय आहे तर त्यांना ते ओळखपत्र द्यायचे, त्या आधारावर ते होम डिलिव्हरी देऊ शकतील. आणि त्याचप्रमाणे जे होलसेल मार्केट आहे आपण त्यांना डिस्ट्रीब्यूट केले आहे, होलसेल मार्केट दोन ठिकाणी आणि फूडचा वेगळा ठेवलेला आहे, जेणेकरून त्या ठिकाणी जे रिटेलर खरेदी करतील त्यांना तिथं गर्दी करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे जे भाजीपाला मार्केट जे विक्री करू इच्छितात त्यांचं रजिस्ट्रेशन नगर परिषदेकडे होईल आणि नगर परिषदेकडून त्यांना ओळखपत्र दिले आणि त्याचप्रमाणे त्यांना वार्ड वाटून देण्यात येईल, त्या त्यानुसार त्यांनी होम डिलिव्हरी त्या त्या वार्डामध्ये द्यायचं आहे. आणि सर्व जे होम डिलिव्हरी आहे त्यांना RT-PCR करून घेणे बंधनकारक आहे आणि त्याची व्हॅलिडिटी आपली 7 दिवसाची राहील. तर ह्या अनुषंगाने कोणत्याही ठिकाणी गर्दी टाळण्यासाठी आणि जो कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी हे सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. लोकांना थोडा काही प्रमाणात निश्चितच त्रास होणार आहे, दुकानदाराला पण त्रास होणार आहे, पण हे आपल्या जीवाच्या जीवामरणाचा प्रश्न असल्यामुळे त्याच्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र TV 24 के लिए सतीश काळे, हिंगणघाट, वर्धा. कोरोना संक्रमण में माता पिता की मृत्यु होने से बच्चों को देखने के लिए जिलाधिकारी कृति दल की स्थापना की है. कोरोना संक्रमण में माता पिता दोनों पालक की मृत्यु हो जाने पर बच्चों को उसके न्याय हक का मिलने हेतु संगोपन की जिम्मेदारी वाशिम जिलाधिकारी कृति दल की स्थापना करके उन पर दी गई है. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थापन किया है. पुलिस अधीक्षक जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव, जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष, जिला शल्य चिकित्सक, जिला आरोग्य अधिकारी, जिला माहिती अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और जिला महिला बाल विकास अधिकारी कृति दल के सदस्य सचिव है. दोनों पालक माता पिता का मृत्यु होने पर इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन के 1098 सहकार्य कीजिए. लड़की की व्यवस्था वाशिम के बाल गृह में और लड़की की व्यवस्था मानोरा बाल गृह में की जाएगी. यह जानकारी जिला माहिती कार्यालय से प्राप्त हुई है. महाराष्ट्र TV 24 के लिए विनोद डेरे, वाशिम. सावनेर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोरोना महामारी के चलते शासकीय दरों पर उचित इलाज उपलब्ध हो, इसके लिए क्षेत्र के विधायक तथा राज्य सरकार में पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीड़ा एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार के कर कमलों से सर्व सुविधायुक्त श्री गुरुदेव हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर का शुभारम्भ किया गया. इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए मंत्री सुनील केदार ने कहा कि मेरे कार्य क्षेत्र के सभी डॉक्टरों का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है. कोरोना महामारी के शुरुआती दौर से आज तक मेरे क्षेत्र के सभी डॉक्टरों के सहयोग से काफी हद तक कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति पर नियंत्रण पाने में शासन के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और आज भी कोरोना से जंग निरंतरता से जारी है. इस अवसर पर मैं मेरे क्षेत्र के सभी डॉक्टर्स तथा कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया अदा कर उनके कर्तव्य दक्षता एवं सामाजिक दायित्वों को नमन करता हूँ कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपने जान की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी से किया और जब जब भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आएंगी तो ऐसे ही मजबूती से खड़े रहकर अपने क्षेत्र की जनता की सेवाएं करते रहेंगे. ऐसे विचार व्यक्त कर सेवा कार्य कर रहे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया. तो वहीं नागपुर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने कहा कि सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं समूचे महाराष्ट्र को सुनील बाबू जैसा दूरदृष्टि वाले नेता मिले हैं जिनकी नागपुर जिले समेत संपूर्ण महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ तथा लोग उनका कहना मानते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में इस महामारी के दौर में भी सभी क्षेत्र के लोग मिलजुल कर कार्य कर डट कर मुकाबला करते हैं. इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सावनेर शहर में साहब के प्रयत्नों से आज और एक सर्व सुविधायुक्त डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का शुभारंभ हो रहा है जिसका क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ होगा. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सावनेर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण वाकोड़े की संकल्पना से शुरू हुए इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर के शुभारंभ आयोजन का संचालन डॉक्टर श्रद्धा मानापुरे ने तो प्रास्ताविक डॉक्टर भूषण सेम्बेकर एवं आभार डॉक्टर सुरेंद्र गेडाम ने माना. इस अवसर पर माजी नगराध्यक्ष व कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष पवन जायसवाल, प्राचार्य साहेबराव विरखरे, डॉक्टर प्रवीण वाकोड़े, डॉक्टर भूषण सेम्बेकर, समाजसेवी अनिल पुन्यानी, युवा कार्यकर्ते चंदू कामदार, अश्विन कारोकार इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित थे. कोविड सेंटरचा आज अधिकृत उद्घाटन झाला असं जाहीर होतं.
सगळ्या सन्माननीय डॉक्टर्स लोकांचं मनापासून आभारी। कोविडच्या महामारीमध्ये पूर्ण जग हरकून निघतंय, आपला देश 130 कोटीचा हा देश या देशामध्ये आपण सगळेजण मागच्या वर्षभरापासून या महामारीसोबत आपल्या आपल्या परीने झुंज देण्याचं काम करतोय। कधी कधी मनाला फार त्रास होतो, वेदना होतात। डॉक्टर वाफळ साहेब माहिती आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आहे, बेड मिळत नाही, मशीन असं सगळ्याचं असतं, पण ही वस्तू तिथे खर्च देत नाही। पण आलेल्या गोष्टीला तोंड देऊन पुढं माग करणं हाच आपला एक मानव धर्म आहे। तुम्ही आम्ही सगळेजण आपापल्या परीनं वर्षापासून अहोरात्र परिश्रम करतोय। तिसरी लाट येणार असं म्हणतात, त्याच्यामध्ये मतमतांतर आहेच, पण व्हायरसचं काही सांगताच येत नाही। त्याला हात नाही, पाय नाही, दुखं नाही, मंदी नाही, काहीच नाही, विचार नाही। तो विचारणार नाही की हा बंडू चौधरी आहे की सुनील केदार आहे, सर्व रिपोर्ट पाठता नाही। तो सगळ्यांची काळजी घ्यावी। महाराष्ट्र TV 24 के लिए किशोर ढोंडेले, सावनेर। हिंदी बुलेटिन में वक्त हो चला, यही रुकने का। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।